हेलो गाइज, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो पिछले वीडियो में आपने PhD हॉस्टल देखा, दैट्स द मेन हॉस्टल। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे OBC हॉस्टल, जो कि UG स्टूडेंट के लिए है। और कुछ UG के स्टूडेंट PhD हॉस्टल में रहते हैं, क्योंकि वहाँ पे सीट अवेलेबल नहीं है OBC हॉस्टल में। तो मैं वो भी दिखाऊंगा कि उनका रूम कैसा है। आपने पिछले वीडियो में PhD हॉस्टल देखा है, तो वहाँ पे सिंगल रूम थे, 1 बेड फॉर 1 पर्सन। और यहाँ पे UG स्टूडेंट भी उसी रूम में है, तो कैसे है, कितने बच्चे हैं, उनका क्या फैसिलिटी है, मैं वो भी दिखाऊंगा। सो लेट्स गो, स्टार्ट करते हैं OBC हॉस्टल से। So this is the entrance gate of OBC hostel. तो मैंने अभी एक लड़के से बात कर रखा है, तो उसके रूम में अभी चलते हैं। उससे पहले मैं आपको दिखा दूँ यहाँ नीचे ग्राउंड फ्लोर पे क्या क्या है। तो यहाँ पे एक बाथरूम है, यहाँ पे ये किचन रूम है, बट यहाँ पे खाना नहीं बनता अभी। और यहाँ पे हॉस्टल के बीच में एक एम्प्टी एरिया दिया हुआ है खेलने के लिए, कपड़े सुखाने के लिए, या जो भी आप जैसे यूटिलाइज करें। यहाँ पे वाटर फिल्टर लगा हुआ है, इधर बेसिन भी है, और यहाँ पे चेयर्स भी लगे हुए हैं। आप यहाँ पे खाना ला कर मेज पे बैठ के खा सकते हैं आराम से। तो चलते हैं अभी ऊपर और आपको दिखाते हैं यहाँ का रूम कैसा है। तो यहाँ देख सकते हैं OBC हॉस्टल में बंक बेड्स लगे हुए हैं। काफ़ी बड़ा एरिया यहाँ पे है, तो यहाँ पे आप आराम से क्रिकेट, बैडमिंटन कुछ भी खेल सकते हैं, काफ़ी जगह यहाँ पे। तो यहाँ पे कपड़े आपको बाहर ही सुखाने होंगे, क्योंकि रूम में इतना स्पेस नहीं होता कि कपड़े सुखा सके। तो ये रूम है उनका, वन ऑफ माय फ्रेंड आयुष। तो देखते सब क्या कर रहे हैं। तो ये OBC हॉस्टल है फॉर UG स्टूडेंट। तो ये आयुष है, ये हमारे भाई लोग पढ़ाई कर रहे हैं। इंटरनल्स है इनका, तो सब लगे हुए हैं पढ़ाई में। हेलो, कहाँ से भाई? रांची से। रांची से ये? तो राजस्थान से। राजस्थान। और तुम्हारा? वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल। तो पूरे इंडिया से यहाँ पे लोग हैं। और यहाँ पे अभी 4 बंक बेड है, 2 इधर 2 इधर, बट यहाँ अभी इस रूम में 5 लोग हैं। 4 बंक बेड लगा हुआ है, 8 लोगों का स्पेस है, बट अभी 5 पीपल है इसमें। और ये अलमीरा इधर दिया हुआ है, ये वॉल से अटैच्ड है। 3 इधर है और 3 इधर है, बाकी स्टडी टेबल सबका सेपरेट है। यहाँ पे मंदिर भी बना रखे हैं। और ये रूम काफ़ी बड़ा है, इसलिए यहाँ पे 2 फैन है और इतने लोग को एडजस्ट किए हुए। रूम काफ़ी बड़ा है ये, तो यहाँ पे काफ़ी लोगों को एडजस्ट किया गया। किसी किसी में 6 लोग हैं, किसी किसी में 8 लोग हैं। यहाँ पे हर एक फ्लोर पे अलग अलग बाथरूम है, तो एक सामने ही है, रूम से निकलते हैं यहाँ पे। तो
हर फ्लोर पे अलग अलग बाथरूम है। ये राउटर लगा हुआ है इंटरनेट। किसी ने एक वीडियो में पूछा था यहाँ पे वाईफाई अवेलेबल है कि नहीं, तो यहाँ पे वाईफाई अवेलेबल है। तो ये सामने ये पीएचडी हॉस्टल है, कुछ यूजी स्टूडेंट यहाँ पे भी है क्योंकि ओबीसी हॉस्टल में सीट फुल थी तो उन्हें इसमें एडजस्ट किया गया है। तो ये है रूम, सेम पीएचडी स्टूडेंट्स का जैसा रूम है। इधर साइड में बालकनी दिया हुआ है जैसे पीएचडी स्टूडेंट्स का था। और यहाँ पे ये बंक बेड है, एक बेड पे दो लोग, और एक ये ड्रॉअर अलमीरा। और यहाँ पे बालकनी, सेपरेट बालकनी है। और यहाँ सामने से ये ओबीसी हॉस्टल है। ये तो एग्जैक्टली सेम रूम है पीएचडी स्टूडेंट्स के जैसा, बस ये यूजी स्टूडेंट्स को अलाउड किया हुआ है ड्यू टू इनसफिशियंट स्पेस। बाकी सेम है, सेपरेट टॉयलेट, सेपरेट बाथरूम।